हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सब जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे होंगे और हर जगह आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइस आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, जो फुल्ली ओन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पर ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। www.orientalinsurance.org.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 8 मार्च को इनका नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करती है, वुली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइज, और इंजीनियर्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज को रिलीज़ किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पे 100 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इनके भरना स्टार्ट होंगे गाइज वो 21 मार्च 2024 से होंगे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रहेगी, पेमेंट ऑफ फीस रहेगी, वो आपका 12 अप्रैल 2024 रहने वाला है। अगर आप डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखेंगे गाइज तो वो मई और जून 2024 में आपकी डेट रहने वाली है। इसमें अगर आप देखो गाइज, अकाउंट्स के लिए 20 वैकेंसीज, एक्चुरियल के लिए 5 वैकेंसीज, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखोगे, इंजीनियरिंग के लिए 15 और इंजीनियरिंग जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके लिए 20 वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स को ऐड कर दो तो 20 आपको यहाँ पर 20 और बाकी सारे कैटेगरी को मिलाकर अगर आप देखो तो 100 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पर मैंशन कर रखा है। अगर आप सर्विस कंडीशंस, प्रोबेशंस, ये सारे पीरियड्स देखो तो वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर के लिए ये जो है आपको यहाँ पर सर्विस करने का, एज ए प्रोविशनर आप ज्वाइन करते हो, फिर उसके बाद आपका जो है वो चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे गाइस सैलरी का पार्ट देखें तो गाइस सैलरी का स्लेब आपका 50,925 का बेसिक पे रहेगा, और अगर आप टोटल इमोलमेंट देखें तो लगभग 85,000 पर मंथ के हिसाब से आपका जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो गाइस तो 31/12/2023 के हिसाब से आपके काउंट होंगे, जिसमें अगर अकाउंट के लिए भी वैकेंसीज है आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए भी है। आईटी डिपार्टमेंट में अगर आप देखो तो बीटेक और बीबीटेक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ एससी एसटी में अगर आप देखोगे तो 55% मार्क्स के साथ भी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर आपने एमटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रखते हो। बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल है, एमटेक कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज देखेंगे गाइस तो इसमें बीबीटेक, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के जो है वो 60% मार्क्स के साथ आपके यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। एमई एमटेक अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है, और जो लीगल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट रिजर्व्ड है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मिनिमम एज अवेलेबल है वो 21 ईयर है, मैक्सिमम एज जो अवेलेबल है वो 30 ईयर है, और ये डेट जो होगी वो 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से काउंट होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से 5 ईयर का एज रिलेक्शन होगा, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होंगे उनका 10 ईयर का रिलेक्शन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का रिलेक्शन है, और ऐसे डिफेंस सर्विस पर्सनल जो है उनके लिए 3 ईयर का रिलेक्शन है। विडो, डाइवर्स वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, ये सबके लिए 9 ईयर का एज रिलेक्शन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें गाइस तो इनका फेज 1 में प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें 3 सेक्शंस आपके यहाँ पर होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ फॉर ईच टेस्ट और सेक्शन अगर आप देखोगे गाइस सेपरेटली टाइम तो 20 मिनट का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाला है, और वर्जन आपका इंग्लिश में रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 20 आपका यहाँ पर भी 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स का रहेगा, 20 आपका मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का वर्जन रहेंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 200 मार्क्स का आपका होने वाला है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स आपका यहाँ पर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 40 मार्क्स, अगर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसमें ड्यूरेशन जो रहेगा 30 मिनट का रहेगा। ऐसे ही आप टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मैक्सिमम मार्क्स, 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम मार्क्स 40,
और ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट जो है 25 मिनट, टेस्ट ऑफ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 40 मैक्सिमम मार्क्स, 30 मिनट का ड्यूरेशन है। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो 40 मैक्सिमम मार्क्स और 35 मिनट का आपका ड्यूरेशन है। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद फेज थर्ड आपका इंटरव्यू रहेगा और उसी के बिहाव पर फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसके बाद गाइज अगर हम देखें एग्जामिनेशन सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर रहेंगे, आंध्र प्रदेश के लिए, असम के लिए, जो भी स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे उनकी कंप्लीट लिस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो आप अपने स्टेट के वाइज आप देख सकते हैं कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन प्रोसेस में देख सकते हैं, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरे की पूरी जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इमेज है, वो सब आपको अपलोड करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है। डेफिनेटली उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो परफेक्ट तरीके से फिल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैसे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट होना चाहिए वो सारी चीज़ें भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशंस में मेंशन कर रखी है। किस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा, क्या इसका पैटर्न रहेगा, वो आपकी कैटेगरी वाइज भी अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर सैलरी भी सही है और डिफरेंट एग्जामिनेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, आपकी करियर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट अगर आता है तो आपको टाइमली बेसिस पर वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।